चले भाई, आई होप मैं सबको ऑडिबल होऊंगा। कैसे हैं आप सब? एक बार मुझे क्लियर कर दें, मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं? हाँ चले, मॉडेबल सबको आ जाए, फिर मैं सेट नंबर 5 प्रेजेंट करता हूँ। मैं 3 दिन था नहीं, इस वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल रही थी। हेलो नसीर, कैसे हैं आप? नसीर साहब, गुड नाइट सर, गुड नाइट ब्रदर। चलिए, अगर आप सोने जा रहे हैं तो चलिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मैं बहुत सारे और भी क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आ जाएं सारे जन, फिर क्वेश्चन कराता हूँ मैं। डिफेंस, चले सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस फोटो जर्नलिस्ट को मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब रेड इंक अवार्ड दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच फोटो जर्नलिस्ट हैज बीन गिवन टू मुंबई प्रेस क्लब रेड इंक अवार्ड 2020 पोस्टमस्टली रिसेंटली? आर को दत्ता, अदनान अबीदी, दानिश सिद्दीकी या फिर रघु राय? किसको दिया गया बताएं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग हरीश, कैसे हैं आप? हरीश बाबू, क्या हाल चाल? चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दानिश सिद्दीकी, बिल्कुल सही है। तो दानिश सिद्दीकी को तो मान लीजिए दिया गया रेड इंक अवार्ड। अब मुझे बताइए, रामनाथ गोयनका अवार्ड किसको दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चमेली देवी जैन अवार्ड किसको दिया गया? ये दोनों अवार्ड बता दें, कौन बता देगा? अब कोई नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगा, उससे पहले कोई अगर बता दे तो बहुत ही अच्छा होगा। और 2-4 दिन का गैप हो गया कि मैं, क्योंकि मैं था नहीं, तो जितने लोग अभी रेगुलरिटी से थोड़ा सा इधर आगे पीछे हिल गए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि अब से क्लासेस आपकी फिर से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चले। किसे यूनिसेफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ रिसेंटली? कैथरीन रसेल, नीली बिंदापुटी, गौतम रागनी या फिर गीता गोपीनाथ? किसको किया गया भाई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। किसको किया गया? तो वो किया गया कैथरीन रसेल को। किसको किया गया है? तो कैथरीन रसेल को किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं पूछूं, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? अगर पूछा रहेगा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा बताएं। कई बार पूछा गया है, बिल्कुल। और यूनेस्को पीस प्राइज अभी किसको दिया गया? यूनेस्को पीस प्राइज पूछा जाएगा, तब यूनिसेफ से यूनेस्को पे आ जाइए। यूनेस्को पीस प्राइज पूछा गया अगर, कि वो किसको दिया गया, तब क्या हो जाएगा? एंजेला मार्केल, बिल्कुल सही। ये तो मान लीजिए पहले ही से आंसर लगा हुआ है, कोई बात नहीं। किस देश को हरा करके अंडर-19 एशिया कप 2021 के लिए फाइनल जीत लिया भारत ने? किस देश को हरा करके एशिया कप जीता था भारत ने?
क्या हो जाएगा? श्रीलंका, श्रीलंका को हरा करके भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल जीता था। और अगर पूछा जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने किसको हरा के जीता था, तो वो हो जाएगा आपका इंग्लैंड। अंडर 19 वर्ल्ड कप पूछा जाएगा तो वो इंग्लैंड को हरा करके जीता था। अगला क्वेश्चन, जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ मॉनिटर 2021-22 में भारत की रिपोर्ट में कौन सा, भारत का स्थान कौन सा रहा है? यही बेसिकली पूछा गया है आपको कि भारत की कौन सी रैंक रही है एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 में। ये भी बड़ा क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल, तो भारत की रैंक क्या हो जाएगी? तो भारत की रैंक हो जाएगी फोर्थ, पहले नंबर पे सऊदी अरब रहा है। फोर्थ, ध्यान रखिएगा अगर आपको पूछा जाएगा कि भारत की क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो एटीएम, अगर क्रिप्टो ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा कि भारत की रैंक क्या रही है, तो भी फोर्थ रही है। प्लस फायर पावर इंडेक्स भी पूछा जाएगा, तो वो भी कितनी रही है? फोर्थ ही रही है। चलें भाई आ जाएं सारे जन, कुछ दिनों से ये क्लास मिसिंग थी, आज फिर से शुरू हो गई क्योंकि एक मीटिंग थी, तो मैं मीटिंग था इसी वजह से। ठीक है, और बताएंगे आप लोग, मैं पूछूं आपको? चलिए दो चार मैं पूछ लेता हूँ, बता दीजिए। इंडेक्सेस पूछ लेता हूँ। एक मुझे बता दीजिए कि हमारी गिविंग इंडेक्स कितनी है, यानी डोनेशन इंडेक्स। एक मुझे बता दीजिए हमारी इंटरनेट इंक्लूसिव इंडेक्स कितनी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। एक बता दीजिए हंगर इंडेक्स कितनी है, और एक बता दीजिए हमारी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कितनी है। ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, इतना ही बता दीजिए आप। चलिए देखता हूँ कौन कौन बता पाता है, जितने लोग नए आए हैं, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस गस्ती पोत को सौंपा गया है? विच पेट्रोल वेजल हैज बीन हैंडेड ओवर इंडिजियसली डिजाइन एंड बिल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इंडियाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, आईसीजीएस विक्रम, आईसीजीएस सक्षम, आईएनएस कदमवत, या फिर आईसीजीएस वज्र? बताएं भाई। वेरी गुड, आई ने सक्षम। चलिए, मेदरम जतारा कहाँ मनाया जाता है? मेदरम जतारा भारत सरकार में कहाँ मनाया, भारत सरकार के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको किस राज्य में मनाते हैं? तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? मेदरम जतारा फेस्टिवल जो है वो हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? कहाँ पे? तेलंगाना। वेरी गुड, कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं? नगोबा जतारा फेस्टिवल। अगर नगोबा जतारा फेस्टिवल पूछा रहेगा, वो हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तेलंगाना में ही। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? आदिपुरम फेस्टिवल, आदिपुरम। आदिपुरम बता दीजिए भाई। त्रिशूर पूरम पूछा रहेगा तब, त्रिशूर पूरम बता दीजिए। केरला, कहां पे हम सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल? नुआखाई, नुआखाई फेस्टिवल। वेयर डू वी सेलिब्रेट नुआखाई फेस्टिवल? उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। और कहां पे हम सेलिब्रेट करते हैं? फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया जाता है? और चेरी ब्लॉसम बता दीजिए, चेरी ब्लॉसम हम कहां सेलिब्रेट करते हैं? फ्लेमिंगो और चेरी ब्लॉसम। फ्लेमिंगो हम करते हैं आंध्र प्रदेश में, और चेरी ब्लॉसम
मेघालय में कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं? वांगला, वांचुआ और अवामंगोस, ये तीनों बताइए। वांगला, वांचुआ, अवामंगोस कहाँ पे? उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सॉरी, हाल ही में कौन सी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द यूएस ओपन कोर्ट? केतनजी ब्राउन, मारिया फरीदा इंद्रती, या फिर रोजा गिंजौर, या फिर कतीना गोलन? किसको बनाया गया है? बताएं भाई। बिल्कुल सही। तो कौन हो जाएंगी? केतनजी ब्राउन, बिल्कुल सही है। वरुण 2022 वाज रिसेंटली कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? 20th बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 संपन्न हुआ? बताएं भाई। बिल्कुल क्या हो जाएगा? फ्रांस के साथ वरुण हो गया, गरुण हो गया और शक्ति हो गया, ये हमारा किसके साथ होता है? तो फ्रांस के साथ होता है। वरुण हो गया, गरुण हो गया, शक्ति हो गया, ये हमारा फ्रांस के साथ होता है। जबकि अगर पूछा जाता आपको कि वज्र प्रहार किसके साथ होता है, तो अमेरिका के साथ होता है। संप्रीति पूछा जाता किसके साथ होता है, तो बांग्लादेश के साथ होता है। पिच ब्लैक पूछा रहा था किसके साथ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है, ठीक है। किस राज्य के चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? सबको ही पता होगा, इजी क्वेश्चन है। कहाँ हो जाएगा वो? महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कहाँ की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी? बताएं भाई। मेघालय में मनिका बत्रा किस गेम से बिलोंग करती हैं? मनिका बत्रा टेबल टेनिस से ही? बिल्कुल। और टेबल टेनिस किसका राष्ट्रीय गेम है, किस कंट्री का? चाइना। अच्छा, ये मैंने पोल नहीं ये पूछा नहीं था क्या? और इंग्लैंड को हराकर के महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। किस राज्य ने बंगाल को हरा करके संतोष ट्रॉफी 2022 जीत ली है? विच स्टेट हैज रिसेंटली वॉन द संतोष ट्रॉफी 2022 बाय डिफीटिंग बंगाल? तेलंगाना, उड़ीसा, केरला या मध्य प्रदेश? किसने जीता बंगाल को हरा करके? तो क्या हो जाएगा? केरला, बिल्कुल। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल को 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च M15 पेट्रोल विद 15 ब्लेंड ऑफ मेथनॉल विद पेट्रोल?
भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, किसने किया है? तो क्या हो जाएगा आपका? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये तो खैर पुराना क्वेश्चन हो गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस किसके पास हो गया? पहले संगीता सिंह जी के पास था, अब हो गया है नितिन गुप्ता। तो अब नितिन गुप्ता कर लीजिएगा। सीबीडीटी अगर पूछा जाएगा तो नितिन गुप्ता पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया इसको? तो वो हो गया आपका 2026 तक। पूछा जा सकता है। सितारे पाकिस्तान पुरस्कार जो हाईएस्ट ऑनर है पाकिस्तान का, वो किसको दिया गया? डैरेन सैमी, डेविड वार्नर, शेन वॉटसन या फिर रोहित शर्मा? और इनके अलावा हिलाले पाकिस्तान भी दिया गया है। किसको दिया गया वो हिलाले पाकिस्तान? बिल गेट्स को। बिल गेट्स की किताब का नाम मैंने बताया था, क्या हो जाएगा? बिल गेट्स की किताब का नाम बताइए। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का आंसर डैरन सैमी। रिसेंटली विच यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर हैज वॉन द टाइम बिजनेस अवार्ड 2022? फाल्गुनी नायर, श्रद्धा शर्मा, वंदना लूथरा या रश्मि साहू? ध्यान रखिएगा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नहीं पूछा है, टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 पूछा है। दोनों के आंसर अलग अलग हो जाएंगे। बिल्कुल वंदना लूथरा, जबकि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पूछा जाता तो हो जाती है आपकी फाल्गुनी नायर। किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल रिसेंटली? एसेट हुसैन, विनय कुमार सक्सेना, अभिनव बिंद्रा या दीपक राव? एस एल टूसन। बीएसएफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बीएसएफ का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। दक्षिण कोरिया ने किस देश को हरा करके एशिया कप हॉकी 2022 जीता है? इंडिया, पाकिस्तान, जापान या मलेशिया? तो किसको हराया साउथ कोरिया ने? मलेशिया को। मलेशिया के पीएम कौन है? मलेशिया का पीएम पूछा जाएगा तो इस्माइल याकूब। हाल ही में किस भारतीय शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ओलंपिक स्तर की खेल परिषद की आधारशिला रखी? इन विच इंडियन सिटी
यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिसेंटली, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली या पटना? खुशी आ जाए भाई, मनीष आ जाए। बिल्कुल अहमदाबाद। और इस बार नेशनल गेम्स भी कहां होने हैं? गुजरात में ही। और ओलंपिक विलेज गेम पूछा जाएगा तो राजस्थान अगर पूछा जाता है तो, और पूछा भी जाएगा। नाबार्ड द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरू किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट यूटी हैज द माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च बाय नाबार्ड? जम्मू एंड कश्मीर, ले, हरियाणा या चंडीगढ़? कहां पे शुरू किया गया तो लेह में। लद्दाख के गवर्नर कौन है? गवर्नर पूछा जाएगा तब, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के। आरके माथुर। मुख्यमंत्री मितान योजना कहां शुरू करी गई? Which state government has recently launched the मुख्यमंत्री मितान योजना? छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक या उड़ीसा? तो मुख्यमंत्री मितान जैसे ही देखें छत्तीसगढ़ करने, क्या करने? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम साहब कौन है? भारत की पहली काउ एम्बुलेंस कहां शुरू करी गई? काउ एम्बुलेंस असम में। और सर्वानंद सोनेवाल यहां के 15वें सीएम हो जाएंगे। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? रानी हो सिल्वन ने। 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सबको पता होगा कौन हो जाएंगी, प्रियंका मोहिते। वेरी इजी क्वेश्चन। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तो एस सोमनाथ। कौन बने? एस सोमनाथ। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा करी? किसके द्वारा बनाया जाएगा? उड़ीसा के द्वारा। किस विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फूड अवार्ड से पूछा जाएगा तो वो किया गया है सिनेथिया रिस्कवेज को। किसको किया गया है? सिनेथिया रिस्कवेज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाएगा।
हाल ही में रेटर और WHO ने किस साल में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मोबाइल कंटेनर जो है वो किस शहर में रेटर और WHO की तरफ से शुरू किया जाएगा, तो वो जगह आपका वाइजेग विशाखापत्तनम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता, सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, फीगा स्टेफिक या फिर मार्टिना नरातिल्वा? बिल्कुल बिल्कुल दत्ता साई, तो वो जीता गया इगा स्टेफिक के द्वारा। इगा स्टेफिक ने इस बार फ्रेंच ओपन भी जीता हुआ है और इगा स्टेफिक ने इस बार जो है आपका जो है कि US ओपन भी जीत लिया है, तो पूछा जा सकता है आपको। उंगलिन उर्वम आत्मकथा किसकी है? YS जगनमोहन रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा, भूपेश बघेल, MK स्टालिन, और ये चारों कहां कहां के CM है ये भी आप बता सकते हैं। MK स्टालिन बिल्कुल सही है, कहां कहां के CM है ये भी बता दीजिए आप। MK स्टालिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी, हेमंता विश्वा शर्मा आसाम, और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़। ठीक है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण जीता? सौरभ चौधरी, जसपाल राणा, गगन नारंग, राज्यवर्धन सिंह राठौर? इंडियन स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन की बात हो रही है। ISSF ने ही ब्लू क्रॉस ऑर्डर दिया था अभिनव बिंद्रा को। सौरभ चौधरी बिल्कुल सही है। किस स्पेस एजेंसी ने नेक्स्ट जनरेशन गोस टू मौसम उपग्रह लॉन्च किया? गोस्टी, इसरो, रॉस्कोसमोस, जाक्सा या नासा? किसके द्वारा? बिल्कुल, क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा नासा। नासा के हेड कौन है अभी करंट में? बिल निल्सन। बिल्कुल, किस राज्य सरकार ने गांजे की खेती को खत्म करने के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? तो कहां हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एनिमल जो है आपका एम्बुलेंस कहां चलाया गया, तो वो आंध्र प्रदेश। स्ट्रीट एनिमल एम्बुलेंस पूछा जाएगा तो वो कहां हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। काउ एम्बुलेंस पूछा जाएगा तो असम हो जाएगा। काउ कैबिनेट पूछा जाएगा तो MP हो जाएगा। गोकुशी एक्ट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी कौन सी बनी है? मैं बता देता हूं आपको, तो वो हो जाएगा डाबर।
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? कौन सी कंट्री हो जाएगी वो? तो वो हो जाएगी इंडिया। बिल्कुल, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी किस मंत्रालय के वेस्को शिक्षा के लिए दी गई है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द न्यू दिल्ली लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन ऑफ एडल्ट्स? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्यालय मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, या फिर आपकी पार्लियामेंट्री वर्किंग मिनिस्ट्री, या फिर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री? बताएं भाई। बिल्कुल, किसके द्वारा? तो वो हो गया आपका शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री हमारे कौन है करंट में? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2022 किसने जीता? हु हैज रिसेंटली वॉन द मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड? कामनी राव, नंदिनी मुंडेकर, इंदिरा हिंदुजा, या निकित सुकली, सॉरी निकिता सुकाली? बिल्कुल, किसको? निकिता सुकाले। अगर मैं पूछूं मिस इंडिया यूएसए किसको बनाया गया? मिस इंडिया यूएसए, बताएं भाई, मिस इंडिया यूएसए किसे बनाया गया? आर्या बेलकर। किस शहर में राइट टू पी अभियान शुरू किया गया? नागपुर, मुंबई, रायपुर या जयपुर? बिल्कुल, कहां पे? तो वो बनाया गया आपका नागपुर में, राइट टू पी, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया? अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण? किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव, जिनके पास हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी। किस राज्य की हाईकोर्ट देश में पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? Recently, which state high court has become the first, India's first paperless court? Telangana, Kerala, Tamil Nadu or Karnataka?
बिल्कुल, कहाँ हो जाएगा? केरला। और पेपरलेस कंट्री पूछा जाएगा तब? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की गई? बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान। नारायण तातू राणे के पास एमएसएमई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 46 देशों की मेगा नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मिलन इस बार इंडिया। राष्ट्रपति ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया कहां पे? रिसेंटली फ्रॉम वेयर हैज द प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड द 59th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया आयुर्वेदा महासम्मेलन? इंदौर, मुंबई, नागपुर या उज्जैन? तो कहां पे किया गया? वो किया गया उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन। सिप्रा हो जाएगा, दत्ता साई। फुगाकू को पछाड़ के दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश से है? रिसेंटली फ्रंटियर बिकेम द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ओवरटेकिंग द जापान फुगाकू। इट बिलोंग्स टू विच कंट्री? और भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये भी बताना है आपको। परम क्या? परम तो है ही है, परम में भी क्या? परम गंगा, परम पोरुल, परम सिद्धि, परम प्रवेगा, विच परम? तो परम सिद्धि। फुगाकू ध्यान रखिएगा, जापान का फ्रंटियर कहाँ का हो जाएगा? यूएसए का हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको और भी मेंशन कर रखे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। सनवे तैतोलाइट चाइना हो गया, ज्वेल्स बूस्टर हो गया जर्मनी का सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HSPC-5 पूछा जाएगा कि सॉरी HPC-5 कहाँ का हो जाएगा? इटली का हो जाएगा। दम्मम-7 सऊदी अरब, सिमुर्ग आपका ईरान का हो गया, और परम सिद्धि हो गया हमारे भारत का। ठीक है,
किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? अशोक शर्मा, विनय शर्मा, अश्वनी भाटिया या फिर राजीव कुमार? ये क्वेश्चन भी खैर पुराना हो गया, लेकिन अश्वनी भाटिया ध्यान रखिएगा। सेबी का चेयरमैन किसको बनाया गया अभी? अरे बताइए भाई, सेबी का चेयरमैन कौन बना है? सॉरी, ये क्वेश्चन में आगे बढ़ गया क्या? वायुसेना के महानिदेशक का कार्यभार संजीव कपूर। चले, मंदिर 360 वेबसाइट किसने लॉन्च करी है? किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च करी है? कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर विलेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री? किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो किया गया है संस्कृति मिनिस्ट्री की तरफ से। कल्चरल मिनिस्ट्री किसके पास है? कल्चरल मिनिस्ट्री हमारी, कल्चरल मिनिस्ट्री हमारी किसके पास है? कल्चरल मिनिस्ट्री बताइए भाई। जी किशन रेड्डी, वेरी गुड। इन्हीं के पास टूरिज्म भी है। किस कंपनी के द्वारा सुपर ऐप न्यू लॉन्च करने की घोषणा करी गई? फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या टाटा मोटर्स? मोस्टली आंसर दत्ता आपके सही है, वेरी गुड। फॉर्म भर दिया आप लोगों ने ना, सीजीएल वाला, और एफसीआई का भी आया, वो भी भर दीजिएगा। टाटा मोटर्स, ठीक है। चलिए, तो ये आज के क्वेश्चंस थे मेरे पास, सारे मैंने आपको प्रेजेंट कर दिए। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ अनअकैडमी के बारे में, ठीक है? तो एक सेकंड, मैं अभी बता देता हूँ आपको जो जो इम्पोर्टेंट नए कोर्सेज आए उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, आपको पूछे भी जाएंगे। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। चलिए देखिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे अभी आपको 20% तक का जो है कि ऑफ मिल रहा है, ठीक है? नॉट 30% तक का ऑफ मिल रहा है आपको अभी। अगर आप 24 मंथ का लेते हैं, 12 मंथ का लेते हैं और 6 मंथ तक का लेते हैं, आपको सब्सक्रिप्शंस में बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आप हर पेज पे vimresh@14 कोड देख रहे थे, उस कोड को अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन जरूर आप लीजिए। प्लस यहाँ पे बहुत सारे बैच कोर्सेज आपको जो है प्रेजेंट किए जा रहे हैं टॉप एजुकेटर्स की तरफ से, इनका फायदा जरूर उठाएं। आपके एसएससी सीजीएल का जो नया फॉर्मेट है उसको ध्यान में रख करके ये बनाया गया है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे एजुकेटर्स पर प्लस मेरी भी प्लस क्लासेज मिलेंगी आपको। प्लस यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकर्स बैच हो गया SSC 2022-23 को ध्यान में रख करके, सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया SSC, जो नया पैटर्न आया, नया सिलेबस आया है उसके ऊपर उसको ध्यान में रख करके बनाया गया। लक्ष्य बैच हो गया जो आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके बनाया गया, कंप्लीट बैच है CHSL के लिए। एम हो गया GD कांस्टेबल के लिए आपका बैच कोर्स, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज हो गया। लक्ष्य बैच आपका GD के लिए भी है। प्रैक्टिस बैच हो गया आपका, हर एग्जामिनेशन के लिए चला जा रहा है, कंप्लीट बैच भी आपको प्रेजेंट किया गया, ठीक है? प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड अप्लाई करना है vimresh@14, जो कि मे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको जो है कि आइकॉनिक लेना है, तो आइकॉनिक का भी कोड vimresh@14 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक
ठीक है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फ्री में, और प्लस आप फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस के अकेडमी एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, टाटा मोटर्स, ध्यान रखिएगा। और टाटा मोटर्स के अलावा टाटा ने, ध्यान रखिएगा, इस बार आईपीएल को भी 2 सालों के लिए स्पॉन्सरशिप ले ली है। इस बार भी टाटा ने ही किया था, 15वां आईपीएल था जिसको गुजरात टाइटंस ने जीता था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल भी आपको रात को 11 बजे क्लास होगी, आज तो खैर मैंने 11:30 बजे शुरू किया था, लेकिन मैं कल आपको 11 बजे शुरू करूंगा और 1.5 घंटे की क्लास होगी 11:30 बजे तक, ठीक है। प्लस आपको जो है कि उसके अलावा मे बी रिकॉर्डिंग्स भी मैं प्रेजेंट कर दूँ, तो सबके लिए अपना ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, बाय बाय।